कबीर, एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बोले कल आना फिर बताएंगे, कल आना 12 बजे दोपहर में। और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें। बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहा है, बता रहा है ना। फिर वो अपने बीवी को आवाज लगाई, उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो ना अपने बीवी को आवाज लगाई, अब इमेजिन करो मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो लैंप लेकर, लैंप जला के बाहर आओ। मेरी निडल गिर गई है बाहर, लैंप। उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार। बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए।